आजादी का अमृत महोत्सव यानी 75वीं वर्षगांठ जनपद के मीरापुर कस्बे में भी बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस महापर्व पर सुबह सवेरे से शुरू हुए कार्यक्रम देर शाम तक चलते रहे। आइए आपको दिखाते हैं इन्हीं कार्यक्रमों की कुछ झलकियां। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में शुरुआत करते हैं कस्बे के ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल से, जहां विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों ने आजादी की इस प्लैटिनम जुबली पर देशभक्ति से ओतप्रोत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए विद्यालय के निदेशक बीपी सिंह ने बताया, आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ है और 76वां स्वतंत्रता दिवस जो है आज स्कूल में मनाया गया। बच्चों ने बड़े बढ़ चढ़ करके और बड़ी देशभक्ति के गीतों से और उससे नाटक से उन्होंने एक बहुत ही अच्छा संदेश देश को दिया है कि इस अमृत महोत्सव में हम लोग बढ़ चढ़ कर जैसे हिस्सा ले रहे हैं, हर घर हर तिरंगा में प्रतिभाग किया है। स्कूल के सभी बच्चों ने, सभी पेरेंट्स ने अपने घरों पर तिरंगा लगा करके इस उत्सव को मनाया है और स्कूल में इसको बड़े ही धूमधाम के साथ बच्चों ने इसको मनाया है। मेरी सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को इस अवसर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। वहीं इस अवसर पर मीरापुर थाने में भी आजादी का यह महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी दिनेश सिंह द्वारा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। वहीं आजादी की इस 75वीं वर्षगांठ पर महिला आरक्षियों द्वारा बनाई गई सुंदर रंगोली ने इस कार्यक्रम की छटा में चार चांद लगा दिए। इस अवसर पर थाना प्रभारी द्वारा समस्त थाना स्टाफ को संविधान एवं अखंडता की शपथ दिलाने के साथ साथ पुलिस के सभी जवानों से अपने दायित्वों का निर्वाह जिम्मेदारी से करने का आह्वान किया गया।
आजादी की यह प्लैटिनम जुबली मीरापुर नगर पंचायत में भी बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर नगर पंचायत चेयरमैन तंजीला कुरैशी व अधिशासी अधिकारी कमलकांत राजवंशी द्वारा झंडारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके पश्चात स्कूली बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर इस कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां प्रदान की। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी कमलकांत अजवंशी ने बताया। देखिए, जब आज़ादी का 75 वर्ष पूर्ण हो रहा है तो इस उपलक्ष्य में नगर पंचायत मीरापुर में शासन के निर्देशानुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 11 से 17 तारीख तक विशेष प्रोग्राम थे, उसी श्रृंखला में जो प्रोग्राम हुए हैं, विभिन्न स्कूलों में दौड़ का प्रोग्राम हुए है, चाहे वो रंगोली प्रतियोगिता हुई हो, इसी टाइप से जो 11 तारीख से प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें जो बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जिन बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग आई है उनको एक तो सम्मानित करने का कार्यक्रम हो रहा है, दूसरे नगर उसके जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बुलाया गया है उनसे वार्तालाप के लिए कि नगर को कैसे बेहतर और बनाया जाए, कैसे इसकी जो है और विकास संभव हो सकेगा। इस उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सभी माननीय विधायक जी चंद्र चौहान जी भी आए हुए हैं और माननीय पूर्व विधायक तितोरिया जी आए हुए हैं, ऐसे ही बहुत गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं नगर से जो नगर पंचायत का मार्गदर्शन करने के लिए आज उनका हमने आह्वान किया था उस पर उपस्थित हुए हैं, और जो विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया उनकी प्रतियोगिता में जो उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लाए उनको बुलाया गया है पुरस्कृत करने के लिए, प्लस कुछ स्कूलों के बच्चे आए हैं जो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे डांस है, स्पीच है, इस टाइप की प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, इसको करने के बाद जो है इनको सम्मानित किया जाएगा, इस प्रकार प्रोग्राम आज चलेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे जनता से मेरी यही अपील है कि नगर पंचायत का सहयोग करें, कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालें और अनावश्यक पानी ना बहाएं, टोटी नलों की बंद रखें और समय पर करों का भुगतान करें, और जो भी है नगर की बेहतरी के लिए नगर पंचायत के कार्मिकों का सहयोग करें। आज़ादी का महापर्व हो और युवाओं का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं है। आज़ादी के इस पर्व पर मीरापुर के युवाओं ने भी कस्बे में एक तिरंगा यात्रा निकालकर पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में सरोबार कर दिया। इस तिरंगा यात्रा में कस्बे का हर युवा अपने जाति धर्म को भूलकर सिर्फ आज़ादी के रंग में रंगा नजर आया। यह यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों के अलावा कस्बे के मोहल्लों से भी गुजरी।